तो हेलो दोस्तों, दोबारा से स्वागत है हमारे नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सेल में बताने वाला हूँ इंडेक्स मैच फॉर्मूले का यूज़ करना। अभी मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ कि कैसे हमारा आउटपुट आने वाला है। अभी मैं जैसे यहाँ से सिलेक्ट करूँगा क्लासेस और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा टाइम, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपके पास आ रहा है कंप्यूटर, यानी कि मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा क्लास 9 और इसका टाइम है 10, यानी कि क्लास जो हमारा 9 है और 10 बजे इसका कौन सा सब्जेक्ट चलेगा कंप्यूटर का, यानी कि इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, टाइम टेबल निकालने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट करा क्लास सेवन और क्लास 7 का 10 बजे कौन सी क्लासेस चलेगी कंप्यूटर की, ठीक है, कि हम यहाँ से टाइम चेंज कर देते हैं साइंस का, ठीक है ना। क्लास 7 का 12 बजे कौन सी क्लास चलेंगे साइंस का, ठीक है। जैसा आप यहाँ से चेंज करोगे वैसा आपके पास आउटपुट आता जाएगा। चलो तो मैं आपको इसको वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं क्लास टाइप नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के लिए आप जाओगे डाटा, यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा वैलिडेशन, और यहाँ से हम अलाउ कर देंगे लिस्ट को, ठीक है, और सोर्स के अंदर आप क्लासेस सेलेक्ट करो, ठीक हो गया, ओके करते हैं। लेकिन यहाँ से मैं कोई भी क्लासेस सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यही चीज़ हम अप्लाई करेंगे टाइम में भी। टाइम में जाओगे, यहाँ पे लिखा डाटा, डाटा वैलिडेशन, अलाउ कर देते हम लिस्ट को, और सोर्स के अंदर मैं सेलेक्ट कर देते हैं टाइम। जैसे मैं ओके करूँगा फिर से यहाँ पे एक लिस्ट आ गई है। अब इस लिस्ट में देखोगे तो ये पॉइंट में आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, होम, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं टाइम। अब देखो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे कोई भी आप ले सकते, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे इसमें फार्मूला। फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले लिखोगे इज इक्वल टू इंडेक्स। जैसे मैंने इंडेक्स सेलेक्ट करा, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देना, ठीक हो गया। इस सब्जेक्ट को मेरे को क्या करवाना है, मैच। किसके साथ मैच करवाना है, जो भी यहाँ पे आएगा क्लास, क्योंकि यहाँ पे हमने एक लिस्ट बना रखी है तो क्लास यहाँ पे चेंज होता जाएगा। कॉमा, ये क्लास कहाँ से होगा, कहाँ से आएगा, यहाँ से। कॉमा जीरो, जीरो क्यों, यहाँ पे लिखा है जीरो एग्जैक्ट मैच, 1 less than -1 ग्रेटर देन, तो जीरो यानी कि एग्जैक्ट मैच, हमें लेस देन या ग्रेटर देन मैच नहीं करना है। कॉमा लगा के फिर लिखो मैच, क्या मैच करना है, टाइम। कॉमा, ये टाइम कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। कॉमा जीरो, जीरो का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। एंटर मारोगे, फिर एंटर मारोगे, अब यहाँ पे हमारा आंसर आ गया जीके। देखो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा क्लास सिक्स का 9 बजे, 9 बजे कौन सा आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ 7, क्लास सिक्स का 7 बजे चलता है हमारा हिंदी, ठीक है। 8 बजे इंग्लिश, 9 बजे मैथ, 10 बजे साइंस। इस तरीके से हम चेंज करते जाएंगे तो हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा, यानी कि ये क्या करेगा, रो एंड कॉलम को मैच करेगा। रो एंड कॉलम मैच होगा तब हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।